एक बड़े जंगल में बहुत ही शक्तिशाली शेर रहता था। वह शक्तिशाली होने के साथ बहुत दुष्ट और घमंडी भी था। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर थर-थर कांपते थे। वह जहाँ भी जाता वहाँ के जानवरों को मार डालता और उनमें से कुछ को खाता और कुछ को बिना खाए ही छोड़ देता था। शेर से दुखी होकर जंगल के सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। इस सभा में जंगल के सारे जानवर एकत्र हुए। सभा में अत्याचारी शेर से मुक्ति पाने के संबंध में चर्चा हुई। सभा में तय किया गया कि सभी जानवर शेर के पास जाएंगे और उससे विनती करेंगे कि वह किसी भी जानवर को ना मारे, बदले में जंगल के जानवरों में से बारी बारी से एक जानवर शेर का भोजन बनने के लिए भेज दिया जाएगा। अगले ही दिन जंगल के सारे जानवर एकत्र होकर शेर के पास गए और अपना प्रस्ताव रखा। शेर सभी जानवरों की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि आज से बिना किसी मेहनत के मुझे भोजन मिलेगा। ये सोचकर शेर भी जानवरों की बात मान गया, परंतु उसने जानवरों को धमकी दी कि जिस दिन कोई जानवर मेरे पास नहीं आएगा उस दिन से वह और अधिक जानवरों का शिकार करने लगेगा। उस दिन के बाद जंगल से जानवरों का डर खत्म हो गया। अब वे निश्चिंत होकर जंगल में घूमते थे और शेर को भी बैठे बैठे भोजन मिलने लगा, तो उसने शिकार करना भी बंद कर दिया था। बहुत दिनों तक इसी तरह एक एक जानवर शेर के पास जाता रहा और उसका भोजन बन जाता। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर के पास जा तो रहा था, परंतु डर के कारण उससे चलते नहीं बन रहा था। वह जंगल में धीरे धीरे चल रहा था, तभी उसे रास्ते में एक कुआं मिला। वह कुछ देर के लिए कुआं के पास बैठ गया। उसने जब कुएं में झांका तो कुएं में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखकर खरगोश के मन में एक तरह विचार आया। वह कुछ सोचता विचार करता हुआ धीरे धीरे शेर की गुफा के पास पहुंच गया। इधर शेर भूख से व्याकुल हो चुका था और अब वह जंगल में जानवरों को मारने के लिए निकलने ही वाला था। तभी खरगोश शेर के पास पहुंच गया। खरगोश को देखकर शेर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह दहाड़ते हुए खरगोश से बोला, मैं भूख से व्याकुल हुआ जा रहा हूँ और जंगल के जानवरों ने तुझ जैसे छोटे जानवर को मेरा भोजन बनाकर भेजा है। अब मैं जंगल के सारे जानवरों को मार दूंगा। शेर की बातें सुनकर खरगोश ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज आप क्रोध ना करें। मेरी देरी का कारण ना तो मैं हूँ और ना ही जंगल के दूसरे जानवर हैं। अगर आप मुझे माफ करें तो मैं आपको पूरी बात बतलाना चाहता हूँ। शेर ने कहा, अरे खरगोश तुझे जो कहना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ। खरगोश ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहने लगा, महाराज मैं बहुत छोटा हूँ, इसीलिए जंगल के जानवरों ने मेरे जैसे 5 खरगोश आपकी सेवा में भेजे थे। जब हम जंगल से आ रहे थे तब एक दूसरा शेर आया और हमारे यहाँ आने का कारण पूछने लगा। जब हमने आपके पास आने के बात कही तब उसने आपको बहुत भला बुरा और डरपोक कहा और खुद को जंगल का राजा बतलाने लगा। उसने आपको युद्ध की चुनौती भी दी है और 5 में से 4 खरगोश वह खा गया और मुझे जिंदा छोड़ दिया और आपके पास भेज दिया ताकि मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे सकूं और उसके पास ले जा सकूं। महाराज यही कारण है कि मुझे यहाँ आने में देर हो गई। खरगोश की बात सुनकर शेर बोला, खरगोश तुम मुझे जल्दी ही उस शेर के पास ले चलो, मैं जल्द से जल्द
उस दुष्ट को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसने मुझे ललकारा है, उसकी इतनी हिम्मत की, वह मेरे राज्य में आकर मुझे ही युद्ध की चुनौती दे। शेर की बात सुनकर खरगोश बोला, महाराज युद्ध करना तो आप जैसे परमवीरों का काम है, परंतु दुश्मन अपने दुर्ग में छुपा हुआ है और दुर्ग में छुपा शत्रु बहुत खतरनाक होता है। शेर ने कहा, तुम सही कह रहे हो, परंतु मुझे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है, मैं उस दुष्ट को चुटकी में मसल दूंगा। शेर की बात सुनकर खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज यही मांड है जिसमें दूसरा शेर छुपा है और इसी जगह से वह आपको युद्ध की चुनौती दे रहा था। खरगोश शेर को कुएं की मेड़ पर ले गया। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि यह वही दूसरा शेर है जो मुझे चुनौती दे रहा है। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ की गूंज कुएं से उतनी ही तेजी से वापस शेर को सुनाई दी। उस गूंज को अपने शत्रु की आवाज समझकर शेर ने गुस्से में उसी पल कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धि के बल पर शक्तिशाली शेर का खात्मा कर दिया। खरगोश वहां से लौटकर जंगल गया और सभी जानवरों को शेर के खात्मे का समाचार सुनाया। शेर की मृत्यु का समाचार सुनकर जंगल के सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने खरगोश की बुद्धिमानी की तारीफ की और अब सभी जंगल में शांतिपूर्वक रहने लगे।